मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र कुमार आपके साथ फिर जुड़ा हूँ अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे साइलेंट सब्जेक्ट के अंदर जो भी नेक्स्ट टॉपिक था, जिसे हम जनरली चिंता अवस्था या एंजाइटी स्टेट कहते हैं। ठीक है ना, आज हम बात करेंगे अपनी जो एंजाइटी है डेली रूटीन से रिलेटेड है, चाहे किन से प्रकार है, कौन से उत्पत्ति होती है। तो जनरली आज हम बात करेंगे अपनी एंजाइटी स्टेट डेली रूटीन के अंदर कहाँ कहाँ किन किन कारणों से और किन किन स्टेजेस के अंदर हमें एंजाइटी है वो फील आ सकती है। तो यदि एंजाइटी की बात करें या चिंता की स्तर अपने चिंता की अवस्था पाई जाती है हमारे अंदर, वो कौन कौन सी होती है। तो चिंता अवस्था जो अपने अंदर देखी गई है, बात देखी गई है, जो पुरानी होती है, निर्मल होती है, या कई बार ऐसी स्टेजेस भी होती है जिनके अंदर तर्कहीन चिंताएं होती है, मतलब जिनका हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं होता। उस कंडीशन के अंदर भी हमारा ब्रेन है वो कई बार क्या बोलता है, टेंशन ले लेता है या चिंता होने लग जाती है। तो अपन बात करेंगे एंजाइटी स्टेट की। तो एंजाइटी स्टेट के अंदर देखा ही गया है कि हमारी बॉडी के अंदर कई बार या हमारी डेली रूटीन लाइफ के अंदर कई बार बिना किसी कारण के, हो सकता है पुरानी किसी एक्सीडेंट की वजह से या पुरानी किसी अवस्था की वजह से भी हो सकती है, तो क्या है, या तो अगली स्टेज के अंदर अल्पायु के अंदर भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। तो होती क्या है, चिंता है या एंजाइटी की स्टेट है जो एक अबनॉर्मल एक्सीडेंट के कारण भी हो सकती है। अब जो है चिंता अवस्था की जो विकार है, इसे जो वर्गीकरण है, उसको मुख्य रूप से हमने दो भागों के अंदर बांट दिया है। पहले दो भागों के अंदर बांट के, तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो अपने पास स्टेट आती है एंजाइटी स्टेट के अंदर या एंजाइटी स्टेट के अंदर, जिसके अंदर पहली है अपने पास में जीएडी या जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। ये था आपका पहला और सेकंड आता है, इसके अंदर जो आता है जनरल एंजाइटी के बाद में सेकंड है इसका पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। माना गया है कि यदि फैमिली हिस्ट्री के अंदर
अंदर या परिवार के अंदर किसी सदस्य के अंदर यदि यह सिम्टम या यह डिसऑर्डर पाया जाता है तो उसकी जो नेक्स्ट पीढ़ी जो आ रही है या उसकी जो भी संतति वगैरह आ रही है उनके अंदर भी यह होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो यह जो आपकी जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहती है। ठीक है, सेकंड इसके बारे में बात करेंगे तो आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है यानी आपके जो केमिकल्स आते हैं जितने भी हमें जो केमिकल की बात करें तो मुख्य रूप से इसके अंदर केमिकल जो है उसके अंदर ये देखा गया है ये हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं ब्रेन के अंदर, याद रखिए नर्व सिस्टम के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं ये क्या करते हैं हमारे ब्रेन के अंदर या बॉडी के अंदर जितनी भी प्रकार की सूचना है या इंफॉर्मेशन जो आती है बॉडी के अंदर संदेश वगैरह आते हैं वो संदेशों को एक स्थान से दूसरी जगह या एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं के अंदर क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं। तो इन ट्रांसफरिंग के दौरान या जो मैसेज है उनको इधर उधर आदान प्रदान की संख्या इसके अंदर यदि किसी प्रकार का कोई इम्बेलेंस वगैरह हो जाता है या संदेशों का तो आदान प्रदान होता है प्रॉपरली नहीं हो पाता उसकी वजह से भी हमारे को टेंशन या एंजाइटी स्टेट बढ़ जाती है और इसके अंदर जनरलाइज एंजाइटी जो हमारा डिसऑर्डर है वह भी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें बायोलॉजिकल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पहला आपका जेनेटिक, सेकंड केमिकल और चौथा है आपका एनवायरमेंटल तीसरा। अब यदि एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें या बायोलॉजिकल कारणों की बात करें तो बायोलॉजिकल कारणों के अंदर मुख्य रूप से यह माना गया है कि जो आपकी जितनी भी प्रकार की आप जो आपकी एक्टिविटीज होती है उसके अंदर जैसे यदि किसी प्रकार का मित्र वगैरह आपका बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्र वगैरह था या किसी प्रकार का फैमिली मेंबर था उसके अंदर किसी प्रकार का विच्छेद वगैरह हो जाता है उस कंडीशन के अंदर या फिर जैसे कोई नशे वाली जो चीजें होती है या वस्तुएं होती है जैसे अल्कोहल वगैरह है या तंबाकू वगैरह का जो सेवन है यदि वो आप ज्यादा मात्रा में ले रहे हो या उनका आपने सेवन छोड़ दिया है दोनों अवस्था के अंदर यदि आप ले रहे हो तो प्रॉपरली नहीं ले पाते उस वजह से या फिर जो अभी नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे थे वह आप छोड़ रहे हो तो उन दोनों कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर या आपके ब्रेन के अंदर एंजाइटी स्टेट वो बनने लग जाती है या आपको एंजाइटी होनी प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करें तो नेक्स्ट आते हैं इसके बारे में इसके साइन और सिम्टम्स या लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो जीएनटी के जो लक्षण है उनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर आगे बढ़कर डिवाइड किया गया है। लक्षणों के बारे में बात करेंगे कि यदि जीएनटी की जो स्टेट है वो हमारे पास में पाई जाती है या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स हमें दिखते हैं तो वो सिम्टम्स क्या क्या होंगे तो उसको अलग अलग पार्टों के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके अंदर पहला जो आता है अपने पास आता है फिजिकल फैक्टर्स। अब यदि बात करें फिजिकल फैक्टर की तो फिजिकल फैक्टर के अंदर देखा गया है कि इसके अंदर फिजिकल फैक्टर के अंदर सबसे पहले देखा जाता है यदि एंजाइटी है या जनरल एंजाइटी की कंडीशन है वो पाई जाती है इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स देखे जाते हैं यानी आपकी जो कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी थी या आपका जो हार्ट काम करता है वह बहुत ज्यादा तेज काम करेगा। सेकेंड आ रहा है इसके अंदर टैकीकार्डिया वही आपकी पल्स रेट है वह बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद में छाती के अंदर या सीने के अंदर आपके दर्द रहेगा। ठीक है, दिल की धड़कन है वह बढ़ जाती है कई बार कम भी हो जाती है। फेसियल एक्सप्रेशन है वह आपके चेंज हो जाएंगे सारे के सारे और बहुत ज्यादा सीरियस हो तो उसके अंदर अनकॉन्शियस कंडीशन भी आ सकती है। ठीक है, यह थे आपके फिजिकल फैक्टर्स जिसके अंदर आपकी वो टैकीकार्डिया की कंडीशन है हार्ट रेट बढ़ जाएगी पसीना आने लग जाता है सीने के अंदर दर्द रहेगा दिल की धड़कन है वो कई बार बढ़ जाती है और कई बार कम भी होने लग जाती है। ठीक है, आपके फेशियल के जो एक्सप्रेशंस थे वह चेंज हो जाएंगे और बहुत ज्यादा सीरियस है तो आपको अनकॉन्शियस या पेशेंट है उसके अंदर अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है। सेकंड उसके बारे में बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की। फर्स्ट आपका फिजिकल फैक्टर्स, सेकंड आपका रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी के अंदर आपके क्या क्या चेंज हो जाएंगे बात देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपका क्या जाता है जिसके अंदर बात करें शाइन
में सांस लेने प्रारंभ कर देते हैं। तो पहला जो रेस्पिरेटरी के अंदर हो जाता है साइन, साइन का मतलब होता है लंबे सांस लेना, ठीक है, यानी सांस लंबे लेने स्टार्ट कर लेते हैं। इसके साथ साथ में चोकिंग की कंडीशन भी आती है या क्रिएट होती है। चोकिंग का मतलब होता है आपका जो गला है वो बैठ जाता है या रुंध जाता है या ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बोलने के अंदर कठिनाई होती है, ठीक है। उसके बाद में आपकी नेक्स्ट आती है यॉनिंग की, बार बार उबासी लेने स्टार्ट करते हो या जमाई लेना प्रारंभ कर लेते हो या किसी चीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता उस कंडीशन में भी यॉनिंग की स्टेज आती है। और नेक्स्ट आता है आपका डिस्निया, ठीक है, इसके अंदर आपको सांस लेने के अंदर कठिनाई हो सकती है। तो ये चार स्टेजेज है वो मुख्य रूप से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पाई जाएगी। कब? जीएडी की कंडीशन के दौरान, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की स्टेज के अंदर। सबसे पहले आपका फिजिकल फैक्टर्स था, सेकंड आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर साइन, चोकिंग, यानी और डिस्निया, ये चार कंडीशनें पाई जाती है। नेक्स्ट इसके बाद बात करें एलिमेंट्री सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो एलिमेंट्री सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस पाए जाते हैं जीएडी के दौरान। तो क्या क्या सिस्टम चेंजेस पाए जाते हैं उसके अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका ड्राइनेस ऑफ माउथ, ठीक है। उसके बाद में आपको वाणी या श्रवण संबंधी विकार, यानी आपको बोलने के अंदर दिक्कत आ रही है या आपको प्रॉपर्ली सुनाई भी नहीं देता, इसका मुख्य कारण जो है वह होता है आपका ध्यान या कंसंट्रेशन नहीं होना। एंजाइटी की वजह से आपका जो कंसंट्रेशन है वो प्रॉपर्ली नहीं होने की वजह से आपको प्रॉपर्ली सुनाई या आपका जो बोलना है वो कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। उसके साथ साथ में जीभ में मचलना, जीभ मचलना और साथ में पेट में दर्द भी होने लग जाता है और इसके साथ साथ में कई बार डायरी कंडीशन भी पाई जाती है। तो ये थे आपके एलिमेंट्री सिम्टम्स। एलिमेंट्री सिम्टम्स की बात करें और फिर से तो मुंह का सूखना, श्रवण संबंधी या बोलने के अंदर दिक्कत होने लग जाती है, जी मचलता है, पेट के अंदर दर्द रहेगा और इसके साथ साथ में दस्त भी लग सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट सिस्टम आता है वह आता है आपका यूरिनरी या फिर जिसे बोलते हैं आपका जेनिटो यूरिनरी सिम्टम्स। तो चौथा है हमारे पास में जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। जेनिटो यूरिनरी सिस्टम के अंदर ये देखा गया है कि मेंस्ट्रुएशन की जो प्रोसेस पाई जाती है या जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यूरिनरी सिस्टम के अंदर आपकी मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस या फिर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वह बढ़ जाएगी। इसके साथ में आपको एजिटेशन भी होती है और एजिटेशन के साथ साथ में सेक्सुअल डिसफंक्शन भी पाए जाते हैं। तो जेनिटो यूरिनरी के अंदर आपको मुख्य रूप से तीन सिम्टम्स दिए गए, एक तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है या यूरिन आउटपुट है वह बढ़ जाएगा, मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस बढ़ जाती है। उसके साथ साथ में नेक्स्ट देखा जाए तो आपके अंदर जो एजिटेशन या झिझक पाई जाती है वह भी होती है और उसके साथ में आपके सेक्सुअल डिसफंक्शन भी पाए जाते हैं। ये तो आपका चौथा जनना या मूत्र संबंधी लक्षण। नेक्स्ट इसके बारे में बात करें तो आपका नर्वस सिस्टम आएगा पांचवा। अब चूंकि एंजाइटी है या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, इसके अंदर मेनली जो इफेक्टेड होता है वह होता है आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके अंदर बात करें, सबसे पहले नर्वस सिस्टम के अंदर आपका जो ब्रेन है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा या उसके अंदर भ्रमण है वो कई बार ज्यादा या कई बार कम होता है, जिसकी वजह से आपके सिर के अंदर दर्द रहेगा या आपको टेंशन रहती है और टेंशन की वजह से हेडेक होने लग जाता है। नेक्स्ट है आपको कोई भी चीज है वो साफ नहीं दिख पाती या धुंधली दिखाई देगी। उसके बाद में टिनिटस होता है, टिनिटस मतलब आपके कानों के अंदर आपको लगेगा जैसे बेल बज रही है या घंटियां बज रही है, वो कंडीशन पाई जाएगी। सिटिंग के अंदर भी दिक्कत आती है, पूरी बॉडी के अंदर एक प्रकार का वाइब्रेशन या कंपन होने लग जाएगा और उसके साथ में आपकी जो आंखें हैं वो डायलेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी चीज है वो प्रॉपरली नहीं दिख रही या धुंधली दिख रही है, उस कंडीशन के अंदर आपकी आंखें हैं वो डायलेट हो जाएगी या फैल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करें तो आपका आता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम।
कंडीशन आती है, जैसे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उस कंडीशन में आपके दांत आपस में कड़कड़ाते हैं वैसे ही दिखाई देगी, और साथ में जितनी भी है बॉडी के अंदर दर्द या एक प्रकार का पेन रहता है। ठीक है, ये तो सिस्टम है आपके मसल सेंट्रल सिस्टम में देखे गए हैं। उसके बाद में आपको साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी है, तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। अब साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर ये देखा गया है कि इसके अंदर सबसे पहले है आपकी चूंकि एंजाइटी स्टेट है, एंजाइटी स्टेट के अंदर आपको हमेशा क्या आएगी, टेंशन की कंडीशन क्रिएट रहती है, तो उस टेंशन की वजह से आपका जो फेस है वो चिंतित या टेंशन दिखाई देगा। उसके साथ साथ में आपके मन में एक प्रकार का दुख रहता है, ठीक है, या फिर डर या फियर की कंडीशन भी पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ में आपके फेस पे एक प्रकार का चिड़चिड़ापन रहेगा टेंशन के कारण, और आराम भी आप प्रॉपरली नहीं कर पाते हो। ठीक है, उसके बाद आप बेचैनी महसूस करोगे, डिपर्सनलाइजेशन की कंडीशन भी पाई जाती है साथ में, और इसके साथ साथ में किसी भी प्रकार की कोई भी फीलिंग्स वगैरह फील नहीं कर पाते। ठीक है, और उसके साथ साथ में आपको नाइटमेयर्स भी आते हैं या बुरे सपने जिन्हें अपन बोलते हैं वह भी पाए जाते हैं, वो थे आपके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर। ठीक है, ये थे आपके जीएडी या सिम्टम्स ऑफ जीएडी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अब जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर सबसे पहले अपन ने इनके कारण देखे थे, जिसके अंदर कारणों के अंदर था सबसे पहले आनुवंशिक या जेनेटिक फैक्टर थे, सेकंड आपके केमिकल फैक्टर्स थे, और थर्ड थे एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इन तीन फैक्टर्स की वजह से जीएडी होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं या होते हैं। इसके बारे में बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स के अंदर था हम सबसे पहले था आपका फिजिकल फैक्टर्स थे, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, सेकंड आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे वो, थर्ड था आपका एलिमेंट्री सिस्टम उसके अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे ड्यू टू जीएडी या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के कारण। ये नर्वस सिस्टम है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, और साइकोलॉजिकली क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो एंजाइटी स्टडी के कारण ये सभी सिस्टम्स के अंदर जो जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में बात की थी, ये सारे इसके सिम्टम्स थे या लक्षण थे। नेक्स्ट बात करते हैं जीएडी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो जीएडी के ट्रीटमेंट के अंदर मुख्य रूप से देखा जाता है जैसे डिप्रेशन की या एंजाइटी की कंडीशन है, तो उसके अंदर मुख्य रूप से अपन ज्यादातर जो देते हैं वो देते हैं बेंजोडाइजेपाइन की स्टेट या एंटी डिप्रेशन, और उसके साथ साथ में कुछ कुछ दी जाती है अपनी थेरेपी। तो सबसे पहले यदि बात करें फार्माथेरेपी के बारे में, ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले दी जाएगी आपकी बेंजोडाइजेपाइन। ठीक है, यह दी जाती है, उसके साथ साथ में कुछ एंटी डिप्रेसेंट भी दी जाती है। यह मेडिसिन को पता है कि मेडिसिन है जो आप उसे लेते हो आपके एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर ये दो दी जाती है। नेक्स्ट इसके बाद में कुछ थेरेपीज है जिसके अंदर बात करें थेरेपीज की, सबसे पहले दी जाती है आपकी सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज करते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से यह होता है। अब बात करते हैं एंजाइटी स्टेट के अंदर अपने पहली थी अपनी जीएडी और सेकंड अपने पास में पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। तो सेकंड बात करेंगे हम पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर। पैनिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा तेज या इसका जो यूज या अपने जो बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो उसके अंदर जब पैनिक एंजाइटी की बात करें तो एंजाइटी के अंदर आपको ये देखा गया है इसके अंदर भी एंजाइटी इसके अंदर भी होती है, लेकिन होती क्या है अचानक से पाई जाएगी एकदम से इसका आक्रमण होता है, और होता भी इस प्रकार से है कि एक दिन के अंदर कई बार या बहुत दिनों से बार बार आता है, इसको भी बहुत ज्यादा बार बार रिपीट होना लग जाता है। ये कई बार हो सकता है या बहुत लंबे समय तक भी हो सकती है पैनिक एंजाइटी। ठीक है, अब बात करें वापस इसके कारणों की बात करें, तो कारणों के अंदर सबसे पहले हेरिडिटी फैक्टर्स या फिर जिसे हम जेनेटिक बोल सकते हैं। अब हेरिडिटी कारणों की बात करें तो हेरिडिटी
या वंशन डिसऑर्डर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर यदि फैमिली हिस्ट्री चेक की जाए तो उसके अंदर देखा गया है कि जहाँ पर माता पिता के अंदर या उनके किसी पुरुषों के अंदर यदि डिजीज कंडीशन पाई जाती है तो उनकी बच्चों के अंदर भी यह डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या पूरे पूरे होते हैं। ठीक है, सेकंड पाई जाती है इसकी कोमॉर्बिड कंडीशन। बढ़ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है,
उसके साथ में आपको स्वीडिंग होती है, यानी पसीना आता है बहुत ज्यादा, इसके साथ साथ में हमें गमगमी का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, ये मेडिसिन थी, उसके साथ साथ में इसके अलावा पर कुछ थेरेपी थ्रू को मिल जाते हैं, जैसे आपकी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, या फिर आपकी जो फैमिली थेरेपी वगैरह यूज करते हैं, साइकोडायनामिक थेरेपी जो वो यूज की जाती है, इन थेरेपीज की सहायता से भी आप पैनिक एंजाइटी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यह थी आपकी एंजाइटी स्टेट, जिसके अंदर एंजाइटी स्टेट को अपन ने मुख्य रूप से दो भागों के अंदर डिवाइड कर लिया था। पहली थी आपकी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और दूसरी आपकी पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, उसके बाद उसके सिम्टम्स वगैरह और उनके कारण किन किन कारणों से हो सकता है यह देखा था अपन ने। तो उसके बारे में जो उनका ट्रीटमेंट वगैरह था वह कंप्लीट हो गया, आपकी जो एंजाइटी स्टेट है वह कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।